खबर उन्नाव से है, जहां पर एक परिवार को सीएम पोर्टल पर गंदगी और सैनिटाइजिंग की शिकायत करना भारी पड़ गया। गांव के ग्राम प्रधान को शिकायत करना नागवार लगा। गुस्साए ग्राम प्रधान ने प्रतिशोध में पीड़ित परिवार पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। हमले में पीड़ित की मां बहन समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार न्याय के लिए अपनी निजी गाड़ी से जब एसपी उन्नाव से शिकायत के लिए निकला, दबंगों ने पीड़ित परिवार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। वहीं पीड़ित परिवार की बहन ने दबंगों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार घंटों एसपी ऑफिस के बाहर एसपी से मिलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कप्तान साहब और डीएम साहब मीटिंग में थे। डीएम ऑफिस में पर्यावरण की मीटिंग ले रहे थे, जहां एक तरफ पीड़ित परिवार दबंग प्रधान की दबंगई का अत्याचार झेल रहा था, वहीं डीएम साहब और एसपी साहब पर्यावरण शुद्ध करने में लगे थे। मीटिंग में बैठे एसपी साहब को जब लोगों ने फोन किया, तब एसपी साहब ने तुरंत सीओसीटी को मौके पर भेजा। सीओसीटी मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने को फोन कर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। सीओसीटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने को फोन कर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि पीड़ित परिवार को सीएचसी नवाबगंज में मेडिकल के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला उन्नाव जनपद के थाना सोहरामऊ के गांव महनौरा का है, जहां पर कोरोना के चलते पीड़ित परिवार ने गांव में सफाई और सैनिटाइजिंग न होने की शिकायत सीएम पोर्टल पर की, जिसके बाद शिकायत से गुस्साए दबंग प्रधान ने पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में पीड़ित परिवार की दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि संबंधित थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई और पीड़ित परिवार पर एसएचओ साहब ने हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का मुकदमा लिखने की धमकी दे डाली। पीड़ित परिवार की बहन ने बताया कि एक साल से दबंग प्रधान पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा है। दबंग प्रधान ने पीड़ित परिवार पर उस समय अपने आधा दर्जन गुंडों के साथ हमला बोल दिया, जब पीड़ित परिवार अपने घर के कामों में लगा हुआ था। वहीं पूरे मामले में एसपी उन्नाव का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले आई है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपके भाई को बुरी तरह से पीटा गया है और क्या हुआ पूरा मामला, कहाँ का मामला है, आप कहाँ के रहने वाली हैं, आप एसपी ऑफिस आई हैं? जी हम थाना सोहरामऊ के गांव ग्राम महनौरा के रहने वाले हैं। वहीं पर हमारा घर है। हमारे भाई वीर प्रताप सिंह और छोटे भाई वीर प्रताप सिंह, ये लोग अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। ये कूलर में पानी डाल रहे थे और वो पेड़ों में पानी डाल रहे थे। इसी में वो लोग आए पीछे से, कमलेश तिवारी जो ग्राम प्रधान है उनका पूरा परिवार उनके साथ, कमल सिंह और समर सिंह और अमेरिका सिंह हुकुम सिंह का पूरा परिवार आया और हमारे पूरे घर के ऊपर चढ़ाई कर दी। हमारी मम्मी को खींच के मारा, हमको भी खींच के मारा, हमारा मोबाइल उठा ले गए, हमारे घर में जितने पैसे थे सारे उठा ले गए, पूरी जेवर उठा ले गए। और बताओ हम लोग कैसे भी जान बचा के भाग के आए, हमारे पापा घर पे नहीं थे, नहीं उनको भी पूरा मार डालते, हमारी पूरी गाड़ी का ध्वस्त कर डाला है। किस चीज को लेकर के विवाद हुआ था, क्यों? एक साल से विवाद चल रहा है, वो लोग हमारे घर से पता नहीं किस लिए कुंदस खा रहते हैं, पता नहीं किस लिए। ये लोग बस वो भ्रष्टाचारी है, ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए ये पूरा बवाल हुआ है। आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, आपके परिवार के साथ मारपीट की गई है, क्या मामला है, क्यों मारपीट की गई है, किसने किया है? इतने समय कोरोना का समय चल रहा है तो हमने सीएम पोर्टल पे शिकायत की थी कि गांव सैनिटाइज नहीं हो रहा है, नाला निर्माण नहीं हुआ है, पानी निकासी की समस्या है, और जो है जिसकी वजह से ग्राम प्रधान जो है और उनका पूरा परिवार और कम से कम 8-10 ठाकुर सब लोग मिलके हमारे घर पे चढ़ाई किए, हमारे भाई को मारे हैं, जिनके हाथ की हड्डी उंगली टूट गई, हाथ टूट गया, सर भी फट गया, हमारे हाथ में भी चोटें आई हैं, और सिस्टर को और मतलब उनके ऊपर भी 5-6-7 लोग चढ़ के जो है उनको भी नोचा घुसोता है, उनको भी चोटें आई हुई है, 4-5 लोगों का मेडिकल के लिए सीओसीटी साहब को बोला हुआ है। देखिए दो पक्षों में मारपीट का मामला आया है, इसमें दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले आई है, दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।